टू महमूदाबाद में रेलवे क्रॉसिंग लखनऊ रोड पर एक लावारिस वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 32 AG 3998 वाहन जो कि आधी रेलवे पटरी पर खड़ी थी जिससे रेलवे गेट बंद नहीं हो पा रहा था। गेटमैन ने साथी को बुलाकर गाड़ी को धक्का लगाकर पीछे किया फिर गेट बंद किया जिसकी सूचना गेटमैन ने अपने स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सूचना दी। सूचना पाते ही प्रभारी निरीक्षक मैं दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी पहुंचे। गाड़ी में झाँक कर देखा तो काली झिल्ली से ढका हुआ मास्क देखा गया। फिर क्या था, प्रभारी निरीक्षक हरकत में आते हुए आनंद फानंद में एक ड्राइवर जिसका नाम मुन्ना है उसे बुलाकर गाड़ी को कोतवाली लेकर आए और वही पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन किया और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कोई अप्रिय बड़ी घटना ना हो इसके लिए गाड़ी को सीधा नूरपुर नहर के पास ले जाकर वहां पर पशु चिकित्सक को बुलाकर मांस का सैंपल लेते हुए नगर पालिका की JCB के द्वारा एक गड्ढा खुदवा कर उसमें मांस के अवशेषों को दफनाया गया। फिर गाड़ी को कोतवाली में लाकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 156/18 धारा 358 गो अवध निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत बनाम अज्ञात वादी दिग्विजय पांडे SI दर्ज कर जांच शुरू की। उपरोक्त प्रकरण के बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि मांस का सैंपल सील कर मथुरा लेबोरेटरी भेजा गया। जांच की रिपोर्ट आते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट। फिर नूरपुर के साथ गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे JCB वगैरह से उन्होंने गड्ढा वगैरह खुदवा के उसको दफन करवाया। पशु चिकित्सालय से डॉक्टर साहब को बुलवा करके उसका सैंपल वगैरह लिया गया जी। और सैंपल लेने के बाद वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, साथ में हम लोग उसके आए और मुकदमा वगैरह भी दर्ज करा दिया गया है। गौकसी के प्रांगण में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और सैंपल वगैरह लाया गया, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, देखा है आपने, सैंपल भी सील करा दिया गया है जी। और जांच के लिए जो है वो बता रहे हैं कि मथुरा में जो है लेबोरेटरी में वो भेजा जाएगा जी। अच्छा ये बताइए, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो कार्य किया वो क्या कैसा कार्य है, सराहनीय या क्या है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने जो काम किया वो सराहनीय कार्य किया है जी। और पुलिस को जो करना चाहिए था वही पुलिस ने किया है और पुलिस ने जो है हम लोगों का पूरा सपोर्ट किया है। संगठन के सारे कार्यकर्ताओं ने जो है दरअसल ये हुआ कि रात को एक बावा चौहत्तर सत्याग्रह उसका राइन हुआ था तो उसके लिए गेट बंद हो रहा था तो मैंने देखा कि गेट के जस्ट नीचे एक वाहन खड़ी थी। नंबर उसका मैंने जो है नोट किया तो फिर देखा कि फिर गेट बंद होने में दिक्कत हो रही थी तो फिर स्टेशन पर मैंने सूचना किया तो यहाँ से एक लोग सहायक गए, ठीक है, तो सहायक के तो उस गाड़ी को धक्का लगा के गेट से बाहर किया गया। फिर गेट बंद हुआ गाड़ी शो में, फिर मैंने अपने ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को सूचित किया था, फिर इन्होंने आगे की कार्रवाई की। क्या किया कार्रवाई में? अब कोतवाली में फोन किया जी। आपका नाम क्या है? रमन शर्मा। रमन शर्मा। पिताजी का सुमन किशोर। पद क्या है आपका रेलवे स्टेशन? ट्रैफिक असिस्टेंट। ऊना लाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो फिनोटोपिकली जो है यानी बाहर से देखने से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये लगता है कि ये गाय का मांस है जी। और इसको जो है फाइनल कंफर्मेटरी रिपोर्ट के लिए जी। ये मथुरा जो है भेजा जाएगा जिससे कंफर्म जानकारी हो सकेगी। उसके बाद ये सैंपल ले लिया गया है जी, 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 जी। और इसमें जो है FIR की कॉपी के साथ ये जाएगा जिसमें किस तारीख का है और ये जो है सैंपल के बारे में लिख के भेजा जाएगा जी। और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी जी तो वो जो है पहले हमारे आएगी उसको हम थाने। ये रेलवे की तरफ से सूचना आई थी कि एक लावारिस क्वेलिस खड़ी हुई है रेलवे क्रॉसिंग महमूदाबाद पे लखनऊ रोड पे जी। इस सूचना पर पुलिस गई थी वहाँ, जांच से वहाँ अंदर मांस पाए गए हैं, पुलिस कब्जे में ले लिया गया है, मुकदमा दरोगा जी की तरफ से दर्ज करा दिया गया, वादी मुकदमा दरोगा जी हैं और उसको कि ये किस चीज़ का मांस है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।